भगवान हो गया है लालचंद डोगरा, दर्शन के लिए घंटों बैठे रहो। बाबा तुम हमेशा डोगरा के खिलाफ बोलते रहते हो। क्योंकि मैं डोगरा का गुलाम नहीं हूं। तो काट डालो अपने पैरों से वो डोगरा के नाम की बेड़ियां। बेड़ियां नहीं, घुंघरू है घुंघरू। एक दिन ऐसा तांडव करूंगा ना कि डोगरा भी याद रखेगा। चुप करो यार, हम डोगरा को भी अच्छी तरह से जानते हैं और अपनी हैसियत को भी। क्या फायदा है ऐसी बातें करने का? कोई हद होती यार। 11 बजे की मीटिंग, अभी तक डोगरा का पता नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको मेरी सालगिरह याद रही? अरे आज ही के दिन तो इतना हसीन तोहफा हमारे लिए दुनिया में आया था, इस दिन को कैसे भूल सकते हैं। क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए इतनी चौड़ी छाती हाजिर है जानेमन। हटो भी, जाने दो, मुझे जय को तैयार करके ट्यूशन भेजना है। ट्यूशन? हाँ। ट्यूशन की क्या जरूरत? ताकि उसे अच्छी स्कूल में दाखिला मिल सके। इस शहर में कोई ऐसा स्कूल है जो मेरे बेटे को दाखिल करने से इनकार करे? अगर है तो बता दो, मैं से घोड़ों का अस्तबल बना दूंगा। देखो, बच्चों की पढ़ाई के मामले में तुम दखल मत दो, वो मुझ पे छोड़ दो। चलो आज के दिन मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। ये तो राज की आवाज है। हाँ। क्या राज? क्या हुआ? टेबल राज गया। ये टेबल यहाँ किसने रखा? सुनिए, सुनिए, टेबल तो यही रहता है, ये बच्चे। खामोश, जाओ दवाई लेकर आओ। आ बैठो, जो चलोगा अभी ठीक हो जाए। बता बेटा। ओ माँ। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं नहीं, ला अभी एकदम ठंडा ठंडा लगेगा। अगर डोगरा अपने आप को छत समझता है तो हम उसकी दीवारें हैं। अगर वो अपने आप को फलदार पेड़ समझता है तो हम उसकी जड़ें हैं। क्या वक्त हुआ है? 11 बजे। बाबा हमें आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? नहीं तो हमें यकीन है कि आप लोगों को हमारे काम करने का ढंग पसंद नहीं आ रहा है और किसी के दिल में अपने पैरों पर खड़े होकर डोगरा के कद के बराबर होने का ख्याल पैदा हो गया है। आप जो भी कहें। नहीं, अभी हमारी बात पूरी हुई है और नहीं हमने तुमसे कोई सवाल किया है। हम फैसला सुनाने आए। आज से आप सब लोग आजाद हैं अपने तरीके से काम करने के लिए और अपने तरीके से जीने के लिए। लेकिन अब हम लोग क्या करें? इंतजार। किसका इंतजार? उसी का जिसे एक दिन सभी को मिलना है, हमें भी और तुम्हें भी।
हेलो, क्या मैं डीसीपी साहब से बात कर सकता हूँ? डीसीपी परमजीत सिंह या? शहर में जो कत्ल हुए हैं उनका जिम्मेदार है लालचंद डोगरा। What? डोगरा? कहो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? साहब, 3 साल से सधु कालिया मेरे 7 करोड़ के बंगले पर कब्जा जमाए बैठा है। पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, बंगला खाली हो जाएगा, 2 करोड़ मंजूर है। तुम बोलो। जी, मेरा बड़ा भाई जेल में है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस ने उसे टाटा में डाल दिया। ठीक है, हम कमिश्नर से बात करेंगे, तुम्हारा भाई छूट जाएगा। राज, बता, कल बाहर काम भी ऐसे ही करेगा? ऐसे ही करेगा? हाँ। अरे डैडी। नहीं बेटा, नहीं। जा तुम लोग। ये क्या किया तुमने? क्यों मारा इसे? क्यों मारा? इतना सर पे मत चढ़ाइए इसे कि ये कल आपका सर नीचा कर दे। ये हमारा सर नीचा करेगा? अरे यही तो है जो कल दुनिया में हमारा सर ऊंचा करेगा। ये हमारा कल है अंजना, ये डोगरा का कल है। आप अपने कल के बारे में सोचते तो आपका आज ऐसा ना होता। अंजना, मेरे प्यार, मेरी सेवा में ही कुछ कमी रह गई होगी जो मैं आपको बदल ना सकी। ठीक है, मेरा प्यार हार गया है ना, लेकिन अपनी ममता को नहीं हारने दूंगी। ये बच्चे आपके नहीं, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। अच्छा, मेरे बच्चे तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे? एक बात कान खोलकर सुन लो अंजना, जो हमारे तरीके पे चलता है वो हमारा रहता है, और जो हमारी मर्जी के खिलाफ चलता है वो कहीं का नहीं रहता। फैसला कर लो। मैं अपने बेटों के साथ आपका ये घर इसी वक्त छोड़कर जा रही हूँ। इस फैसले के नुकसान का अंदाजा है तुम्हें? सिंदूर और मंगलसूत्र की कीमत जानती हो तुम? ये दोनों निशानियाँ प्यार, विश्वास और बराबरी की हैं, लेकिन आपने शायद इसे गुलामी की समझ रखा है, और मैं गुलाम नहीं हूँ। चल बेटा। तो जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है, लेकिन हमारे बेटे हमारे साथ रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत इन्हें हमसे जुदा नहीं कर सकती, न इनकी माँ न उसकी ममता। जानती हूँ कमजोर हूँ, आपसे छीन नहीं पाऊंगी, यही ना? जब जानती हो कि कुछ कर नहीं सकती हो तो करने की कोशिश क्यों करती हो? एक काम जरूर कर सकती हूँ, जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया कम से कम उसे आपके साये से दूर रख सकती हूँ। और याद रखना, उसे आप छीन नहीं पाएंगे, अपनी सारी ताकत लगाकर भी। अंजना, मैं पलट कर नहीं आऊंगी, अब आपको मुझ तक आना होगा। आपसे कोई साहब मिलना चाहते हैं? बुलाओ। अरे बचपने की आदत गई नहीं तेरी? अरे क्या कबड्डी खेलते थे दोस्त, हाय मेरा बचपना मुझे याद आ गया, क्या मजे किया करते थे। आज मेरी याद आई तुझे? अरे लाला, तुझे अमीर बनना था, तेरी रफ्तार तेज थी, मैं सिपाही बनना चाहता था, खैर धीरे धीरे पहुंच ही गया तुझ तक, डीसीपी बनकर। डीसीपी बन गया? अरे वाह, डीसीपी बन गया। कब आया शहर में? एक महीना हो गया। और आज आ रहा है? चल चल,
तो महीने भर के बाद आज पता मिला है जो हमसे मिलने आया तू है? लाले तेरा पता तो शहर के हर पुलिस वाले को जुबान ही याद है, वो बात अलग है कि उनकी जुबान बंद रहती है। तेरी जुबान में अपनापन नहीं है। हमसे मिलने कौन आया, दोस्त या पुलिस वाला? दोनों साथ में आए हैं डोगरा। पुलिस वाला तुम्हें कानून के पास ले जाने और दोस्ती मशवरा देने कि इसी में तुम्हारी भलाई है। दोबारा इस घर में आना तो हमारी गुजरी हुई जिंदगी के दिनों से ज्यादा सबूत लेकर आना। तुम दोस्त थे इसलिए तुम्हें इस घर में आने दिया गया, वरना तुम्हारे हैसियत के ऑफिसरों से हमारा दरबान बात करता है, वो जानता है कि हमें खाकी रंग का कुत्ता भी पसंद नहीं है। यू लाइक योर पापा ना? पपी दो पापा को, आई शाबाश, चलो इसे कमरे में ले जाओ। चलो लालचंद डोगरा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। बाहर काफी पुलिस मौजूद है, मैं अकेला अंदर इस विश्वास से आया हूं कि तुम कोई तमाशा नहीं करोगे। परमजीत, मैंने उस दिन कहा था कि दोबारा इस घर में आना तो पूरे सबूत के साथ आना, लगता है फिर खाली आता है। नहीं लालचंद, खाली हाथ ना मैं उस दिन आया था और ना आज आया। याद है तुमने कहा था कि इस शहर में भगवान के खिलाफ बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ नहीं। ठीक ही तो कहा।